नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा शुरू की गई साक्षात्कारों की श्रृंखला, जिसका नाम हमने दिया है आपकी मेरी बात, आज उसमें बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारे जिले में जितना बात कही जा रही है महिला सशक्तिकरण की, हमारे जिले ने भी उस बात को बड़ी बखूबी बहुत सारे सम्मान अपनाया और आज हमारे बीच में आपके सामने साक्षात के लिए आ रही हैं श्रीमती सरोज बंसल। आप हमारी जिला प्रमुख हैं, तो लाजिम है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे उपयोग के लिए होंगी और आपके आगे की भविष्य को लेकर जो दृष्टि है वो भी आपके सामने आएगी। नमस्कार सरोज जी। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि उम्र का जो पड़ाव है, फिर आपकी विवाह हुआ, आपने शिक्षा ग्रहण करी, कहाँ से आप हैं और राजस्थान से हैं, कहीं बाहर से हैं, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई आपकी, आप टोंक कब आई, थोड़ा सा बताएं। मैं राजस्थान में ही टोंक जिले में, ठीक है, निवाई नगरी से हूँ। निवाई में मेरी जो शुरू की प्राथमिक शिक्षा मेरी निवाई में हुई, उच्च शिक्षा मैंने जयपुर कमोडे कॉलेज से करी, और शादी होके मैं इसी अपने टोंक जिले में नगर फोर्ट गई। अच्छा। नगर में 2 साल रही, उसके बाद टोंक ही से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। तो अचानक आप कैसा परिवर्तन महसूस हो रहा है, इसके पीछे कोई आपकी तैयारी थी कि आपके आपका जो पारिवारिक परिवेश है क्या वो राजनीतिक रहा? मैं जब से शादी हो गई तभी से मैं देख रही हूँ कि हमारा पूरा जो परिवार है वो राजनीतिक शुरू से ही है। मेरे पति खुद राजनीति में शुरू से जब गए थे, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे, हमारे श्याम जी भाई साहब जिलाध्यक्ष थे, और हमारे जो सेकेंड नंबर के भाई साहब है पारस जी भाई साहब, वो भी सरपंच का चुनाव लड़े थे, और जो हमारे भागचंद जी भाई साहब है वो अभी पार्षद है। तो ये राजनीतिक जो परिवेश है वो तो मैंने यहाँ शुरू से ही देखा है, पाया है, समझा भी है, तो ये माहौल मेरे लिए नया नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लगता था कि जो घर में परिवेश मिल रहा है, जिसको आप देख रहे हैं, अपने घरेलू कार्य करते करते भी आप देख समझ रहे हैं, तो उसमें जो आज जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं उसकी विचारधारा से आप एकदम से आप प्रभावित हो गई, या धीरे धीरे आपको समझ में आया कि नहीं ये रास्ता ठीक है? ये चीज राजनीतिक परिवेश हालांकि मैंने शुरू से ही देखा है जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से मेरे मन में दृढ़ विश्वास और अच्छा विश्वास था जी। ये एक सेवाभावी पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को शुरू से ही पेपर में, टीवी में हम सुनते आए, देखते आए कि कितने शुरू से ही वो जो कितने निर्णय करते हैं वो एक देश के हित में करते हैं, देश की प्रजा के हित में करते हैं, गांव के एक एक व्यक्ति की सोच उन तक पहुंचती है, उन तक जाते हैं, उन तक अपनी योजना को, सारी योजनाएं वही लागू करते हैं कि हर गांव के व्यक्ति उनसे लाभान्वित हो सके। तो उनकी इसी विचारधारा से ये सोचते थे कि हमारे जो नेतृत्व देश का वो कितना अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में एक सेवाभावी पार्टी है। और खुद मैं अपने पति को देखती थी, देखती हूँ कि मतलब दिन रात इसी उसमें लगे रहते थे, हमेशा निस्वार्थ भावना से ही इन्होंने काम किया है, कभी कोई लोभ लालच उनके मन में नहीं आया। तो इसी भावना से मेरे भी दिमाग में चलता था कि वाकई में ये पार्टी जो है बहुत अच्छी, इसकी विचारधारा ठीक है, बहुत सुंदर बात है। क्योंकि आदमी जब कहीं अगर निर्णय लेके काम करता है तो जरूर सफल भी होता है, जैसे कि आप इतने बड़े पद पर हैं, हम तो कहते हैं जिला कलेक्टर भी एक पढ़ के आता है, दो साल में चला जाता है, लेकिन आपकी जो भूमिका है वो 5 साल के लिए है और एक कलंक है अपने जिले पे कि बड़ा पिछड़ा जिला है। तो आप क्या सोचते हैं इसके लिए? ये कलंक है लेकिन कलंक हमेशा रहता नहीं है, जिल भी जाता है। हम पूरी मेहनत करेंगे कि इस कलंक को मिटाए और अपने जो टोंक जिला है उसको बिल्कुल टोंक पे लाए। यहाँ की जो शिक्षा है, चिकित्सा है, सड़कें जो जर्जर अवस्था में है, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है उनको उत्तम कराए, हमारी जो शिक्षा है, हर गांव में हम जा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि शिक्षा के उसको स्तर को हमें ऊपर उठाना है और चिकित्सा को भी ऊपर उठाना है। तो अभी ये जो आपकी 2-1 महीने हो गए आपको इस पद पर, सब कुछ तो नहीं लेकिन इतने अल्प समय में, क्योंकि
हम पत्रकार भी हैं और आमजन से मिलते भी हैं, तो रिपोर्टिंग को मिलती है कि कौन अधिकारी या कोई पदाधिकारी जिस पर बैठा है वो उसका बिहेवियर सबसे पहले काम करता भी है और वो क्या कर रहा है, क्या करते हैं। तो आप ये देखिए कि आपके बारे में सब पॉजिटिव आता है कि नहीं, जब से वो बैठे हैं तो लोग भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, ज्यादा कोई शोर शराबा नहीं है। शोर शराबा इस अर्थों में कि असंतोष ऐसा भी नजर नहीं आया। तो अब कैसे हैंडल कर रहे हैं एकदम सारी नई स्थिति? ये चीज ऐसे होती है कि जैसे हम खुद पॉजिटिव होते हैं जी, तो सामने वाला भी अपने बहुत अच्छी बात है, और हम खुद अगर नेगेटिव रहते हैं तो सामने वाले फिर भी अपने नेगेटिव विचार आ जाते हैं। ठीक है, हम शुरू से ही अपने जिले को लेके बिल्कुल पॉजिटिव है कि हमें सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ मिलजुल के काम करना है। इसी विचारधारा से जब हम किसी के सामने बैठते हैं तो वो लोग भी हमसे पॉजिटिव होकर बात करते हैं और विकास की बात करते हैं हमारे साथ, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जिला परिषद हो। सब हम लोगों का लक्ष्य ये है कि हम सब हमको सभी को साथ लेके चलना है, सभी के साथ काम करना है। आपकी दृष्टि में ऐसी कौन सी समस्याएं ज्यादा सामने आ रही हैं कि अपने जिले के कौन से इलाके में इन बातों पर ज्यादा ध्यान, कोई ऐसा सामने आया अभी आपके? जहाँ भी जाते हैं या तो पानी की समस्या आती है जी, या फिर जब हम बारिश में चुनाव के समय गए थे जी, एक पानी फैलने की समस्या ज्यादा थी, नाली निर्माण कम था तो पानी सड़कों पे आ जाता है और कादा कीचड़ जिसे कहते हैं गंदगी रोडों पे आ जाती है और उस कीचड़ से वो लोग परेशान हैं। तो हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि सबसे पहले तो हम नाली व्यवस्था, जो नाली निर्माण है, सफाई व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था जो स्वास्थ्य विभाग करनी है, उनको यही कहेंगे कि रोड बनाते टाइम हम नाली निर्माण पर भी ध्यान दें और जो नालियों का जो पानी आता है उसका भी अलग निकासी निकास की व्यवस्था, वो बड़ी जरूरत है शहर के लिए। तो तभी जो पूरा जो स्वच्छ भारत मिशन है तभी हमारा सफल होगा। और नाली निर्माण के साथ साथ कचरा वेन की भी हम व्यवस्था करेंगे, ठीक है, ताकि जो पानी के साथ साथ जो गंदगी हमारे गांव में फैलती है जी, तो वो भी कचरा भी अगर उठेगा टाइम से उठेगा तो डिस्पोज हो, बिल्कुल स्वच्छ रहेगा। और उसके साथ साथ हम एक जो प्लांट का है जो स्वच्छता के साथ साथ हम पौधारोपण का भी हम काम करेंगे जी, ताकि स्वच्छता के साथ साथ ग्रीनरी भी हमारे जिले में। इसमें एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने बहुत सुंदर बात कही कि दोनों बातें ही जरूरी हैं, लेकिन मेरा आपसे एक थोड़ा सा आग्रह इस बात पर रहेगा कि पेड़ तो लग जाते हैं, बजट आ गया पेड़ लग गए, ठीक है। अभी पिछले कुछ टाइम से तो दिख रहा है कि पेड़ों के लिए एक कुछ ना कुछ ऐसा निर्माण, चाहे वो तारों का जाल हो या ईंटों का हो या जालियां हो सीमेंट की, तो लगाई जा रही है, लेकिन वो अपने शहरी व्यवस्था में तो खूबसूरती बनाने के लिए लगा दी गई, लेकिन जहां बेसिक जरूरत है वहां उन पेड़ लगाए गए पेड़ों के संरक्षण हेतु भी कोई प्लान है आपके पास? यही सोचा है कि हम इसकी जिम्मेदारी जैसे आंगनबाड़ी जो कर्मी होती है जी, 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 उनको देने की कोशिश करेंगे, टाइम से पानी मिल जाएगा, टाइम से पानी मिल जाएगा और व्यवस्थित रूप में जिम्मेदारी जो आशा सहयोगिनी वगैरह होती है उन्हें हम जिम्मेदारी के तौर पर काम भी देंगे, ताकि वो भी खुद भी या फिर जो गांव में है एक ऐसी टीम भी बनाएंगे जी, जी, ताकि वो खुद भी इससे जुड़े और उन्हें भी एक रोजगार भी मिले। और इसके लिए हम और भी चीजें हैं जिन्हें हम करेंगे, जैसे किसी माध्यम से की सिलाई वगैरह करें, केले वगैरह सिले, ताकि हमारे यहाँ से जो पॉलीथीन है जिससे सबसे ज्यादा गंदगी आज हो रही है, तो पॉलीथीन को हमारे पूरे जिले से हमें हटाना है। तो इसके लिए तो एनजीओस वगैरह काम में लीजिए ना, तो उसके लिए हम धीरे धीरे सब महिला को जोड़ेंगे, गांव की महिला को भी जागृत करेंगे कि आप इसमें हमारा साथ दें, और सभी जब जागृत होंगे तभी काम होता है। क्या इसको लेके आपको जैसे अपने सरपंच हैं इतने संगठन है अपने पास, तो क्या आप कोई वर्कशॉप ऐसा भी करना चाहेंगे आपकी ऐसी बातों के लिए? इसमें कोई पॉलिटिकल मामला, राजनीतिक मामला नहीं है,
कोई पैसे का खेल नहीं है, लेकिन एक एक स्वयं जागृत होने की बात। तो उन लोगों को भी ऐसी कार्यशालाएं हो, हम सब सरपंचों को बुलाएं, उनके सदस्यों को बुलाएं, ग्रास रूट से लोग आए और आपके विचारों में सब जाएं, ताकि वो स्वयं भी जागृत हों कि अपने क्षेत्र में बड़े काम तो कराते ही हैं, वो कराते रहे हैं, अपने फंड भी मिलता रहता है जैसे है, लेकिन इन कामों पर कुछ जोर दें, ऐसा कोई विचार है आपका? बिल्कुल ऐसा विचार है कि हम लोग जैसे गांव गांव जाके सरपंच जो वहाँ के सीआर है या वहाँ से संबंधित जो डीआर है या सेक्रेटरी है उनको लेके, जो विकास अधिकारी है उनको लेके हम गांव गांव तक जाएंगे, थाने थाने तक जाएंगे, वहाँ तक जो भी है, जो भी गांव में गरीब है जिनके आवास नहीं है उनको आवास, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन, जिनके घर में चूल्हा नहीं आ रहा है उनके घर में चूल्हा, जिनके शौचालय नहीं बने हैं उनके शौचालय, या गांव में जहां तक कम शिक्षा है वहां तक शिक्षा। मोदी जी के सारे जितने भी लक्ष्य हैं उनको हमें उन सबको आप एक जमीनी तौर पे हम लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम रेगुलर फील्ड में जा भी रहे हैं जी, जी। अभी तक नई नए है, मैं खुद नई नई हूँ तो समझ भी रही हूँ। बिल्कुल एकदम से तो समझ में किसी के लिए नहीं आता, लेकिन इच्छा शक्ति, जैसा आपने पहले कहा कि भाई हम ईमानदार हैं और हम सच्चे हैं तो सहयोग भी मिलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक अस्पताल की अपनी बात क्या है कि बहुत सालों पहले कुछ व्यवस्थाएं लागू की गई, जैसे कि टेलीमेडिसिन, मशीनें भी पड़ी हैं, व्यवस्था भी है, लेकिन वो सब बंद पड़े हैं कमरों में, मतलब रेत चल रही है। तो जो हमारे यहाँ एक दौड़ चल रहा है, मैं किसी का आरोप नहीं लगाता, लेकिन डॉक्टर्स की हो सकता है मजबूरी हो कि साधन नहीं है तो वो रेफर करते हैं, तो गरीब आदमी रेफर होकर कैसे हिम्मत करेगा कि वो वहां जाए। तो अपने यहाँ जो ऑलरेडी व्यवस्था है उनको दुरुस्त रखना, प्लस दवाइयों की या दूसरी व्यवस्था, उनके लिए आवाज तो उठाई जाए कि आपकी तरफ से दबाव बने कि भाई आप क्या कर रहे हैं लोगों साथ। तो ये एक ऐसी प्रश्न है कि इस पर क्या सोच रहे हैं आप इस दिशा में? इस दिशा में यही है कि हम खुद सीएमएच ऑफिस भी गए थे जी, वहाँ जानकारी भी करी थी। तो सबसे पहले तो सीएमएच ऑफिस में जाके पहले तो हमने समझा कि क्या व्यवस्था है और क्या चल रहा है, और जहाँ तक है हम पूरे जिले में इसको व्यवस्थित करके पूरी जो योजनाएं हैं उसको पूरे जिले तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नहीं देखिए, योजना पहुँचाने की कोशिश करना एक बात है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात आपके संग बात करते हुए लग रही है कि आप इस बात के पक्षधर हैं कि अगर इच्छा शक्ति सही रखी जाए तो हम काम निर्माण चाहे कम हो लेकिन उसके प्रति संबंधित वर्ग को हम जागृत करें, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है अपने आप, वरना ये आधी समस्या है तो आदमी अवेयर न होना तो अपने आप दूर हो जाए। जैसे कचरे की प्रबंधन है तो आदमी अगर अवेयर है तो वो खुद भी थोड़ा सा सहयोग करेगा, लेकिन वो अवेयर नहीं है, सिर्फ प्रशासनिक सुविधाओं पर आधारित है कि गाड़ी आएगी तो कचरा डालेंगे वरना घर के बाहर डाल देंगे। तो ये अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है, मुझे लगता है ऐसा कि आपके द्वारा ऐसे भी कुछ प्रोग्राम शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, ये अवेयरनेस हम जन जागरूकता अभियान चलाएंगे जी, जगह जगह पे पोस्टर और जो भी है ये वैन वगैरह जाती जी, है जी, जी। उसके द्वारा हम जन जन को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल सही है कि हमें इसके प्रति जागरूक होने की व्यवस्था है, ये हमारे यहाँ है, ये सिस्टम वर्षों से जो चला रहा है सही है, ये सिस्टम हम खुद भी क्या करते हैं कि जैसे कचरा वैन आती है तो आती है तो डाल देते हैं, नहीं तो रोड पे ही डाल देते हैं, और खाया और बाहर फेंकने की हमारी आदत है। पहले से 50% जब से ये मोदी जी ने जो योजना लागू करी है कचरा वैन संग्रह, 50% हमारे सभी जगह कंट्रोल में आ चुकी है, हैबिट में अभी हम नहीं आई नहीं है। तो ये कोई भी चीज अगर करेंगे तो धीरे धीरे तो आपसे गुजारिश यही है कि मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से ऐसे काम हो कि बांध बनना है या तालाब बनना है ये एक अलग फैक्ट ठीक है ना, वो तो दूसरी जरूरत है फिजिकल, लेकिन कोई ऐसा इस पद पर आके बैठता है तो जिले को दूसरी नजर से देखता है कि वो खुशहाल नजर आए, साफ सुथरा नजर आए,
वहां मतलब आदमी को कहना नहीं पड़ेगा कि देख तुझे स्वस्थ रहना है, वो स्वस्थ रहने के लिए खुद दो कदम आगे बढ़ा है। तो मेरी इच्छा आपसे ये है कि इस पद पर रहते हुए आप ऐसे काम जरूर करवाएं। मैं इसके लिए अलग से योजनाएं सोची, एक तो महिला सशक्तिकरण जी, कि इसमें एक तो जो हमारा जिला है जी, उसमें कहीं भी जो रेप वाली जो समस्या है या फिर जो इस तरह की समस्या है, इसके लिए हम जागरूक करेंगे, इसके लिए एक टीम बनाएंगे कि वो टीम अगर इस तरह के केसेस जो होते हैं उनमें 20-25 दिन तो ऑलरेडी उसको जिसके साथ ऐसे केसेस होते हैं उनको बाहर निकलने में टाइम लग जाता है। नहीं मैडम, टाइम तो लगती है, आपके पुलिस का व्यवस्था इतनी लचर है कि केस दर्ज नहीं होते, केस दर्ज नहीं होते। तो इसके लिए हम एक टीम बनाएंगे हर गांव में, हर ग्राम पंचायत पे, कि वो टीम अगर किसी के साथ ऐसे होता है तो उसके साथ सहानुभूति के लिए सबसे पहले वहां तक जाए और उसको लेके वह थाने तक आए, हमारे जो अधिकारी है पुलिस अधिकारी है उन तक आए और खुद उसको डरे नहीं, उसको सपोर्ट देते हुए, उसको मतलब मजबूत करते हुए इस समस्या को जो उसको समझाए और आगे बढ़ाए और मतलब खुद भी इतना हो जाए कि इतने मजबूत हो जाए, योग है या जो भी होती है ये वाली, कि मतलब पहली बात तो ये रेप वाली समस्या है हमारे जिले में कोई नहीं, ऐसी व्यवस्था हो जाए। नहीं देखिए, ऐसा तो कुछ अपन नहीं कर सकते, मेरे विचार से कि कोई घटना ना घटे, घटना तो घटे, ये इंसानी प्रवृत्ति है, चलो घटे, लेकिन सामाजिक लेवल पर हमारा जन जागरण कितना है। अगर ऐसी कोई बच्ची है या महिला है तो दूसरे विभाग उसको कितना कॉपरेट, कितनी जल्दी करते हैं, या वो बेचारी इधर उधर भटकती रहती है, तो थोड़ा सा उन जैसे आपका समाज कल्याण, महिला बाल विकास है, आंगनबाड़ी है, तो ये सब जो ये टीम ऐसी भी तैयार हो जाए जो तुरंत सूचनाओं का आदान प्रदान हो, वहाँ तक पहुँचे जी और उसको तुरंत उसको आश्वासन दिलाते हुए उसकी मदद उसको जिसे कहना चाहिए नैतिक सपोर्ट मिले उसको, ताकि उसको लगे कि मैं अकेली नहीं, अकेली नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। और बताइए कोई विशेष बात जो आप सोच रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया, जैसा कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि पहले जो पंचायती राज व्यवस्था थी अपनी, और हम सुनते हैं तो हम तो कोई उस तरह से ना तो सदस्य रहे ना जिला परिषद सदस्य रहे, लेकिन सुनते हैं कि भाई व्यवस्था ये थी कि पहले फंड जो आते थे केंद्र के और राज्य के वो जिला परिषद के पास आते थे, तो जिला परिषद को सुविधा होती थी कि वो अपने दृष्टिकोण से किस जिले के किस क्षेत्र में ज्यादा विकास है, कहाँ ज्यादा जरूरत है, वो पैसों को बांटता था। अब डायरेक्ट पैसा आ रहा है, सरपंचों को लेके बार बार उनसे मिलेंगे, उनको यही कहेंगे कि सब मिलके जी हमें पूरे जिले का विकास कराना है। ये भी अच्छी योजना है कि डायरेक्ट उन लोगों के पास चल जाता है, जैसे हमें कभी कभी जैसे कोई जनप्रतिनिधि ऐसा आ गया कि हमें इसी क्षेत्र में काम करवाना है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसी क्षेत्र में काम करवाता है, बाकी के क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। अभी सभी सरपंचों में इक्वल अगर राशि जाएगी तो सभी क्षेत्रों में इक्वल विकास होगा। अब बात हैंडल करने की होती है, अगर जिला नेतृत्व यदि सही होता है तो उसको उसी नेतृत्व से पूरे जिले में विकास चाहे तो सभी सरपंचों को बुला के बिठा के सभी सीआरओ को बिठा के वो इक्वल विकास पूरे जिले का करवा सकता है, और उस कोशिश में हम पूरा कोशिश करेंगे कि हमारे जिले का पूरा इक्वल और अच्छा विकास हो, सभी को साथ लेके सभी सरपंचों को सभी सीआरओ को। जरा थोड़ा सा सुझाव है मैडम, अगर आपको जो आपने बात कही उसी बात को जोड़ा, एक सरपंच आता है कहता है मेरे यहाँ तालाब बनने हैं या कुतने हैं, एक सरपंच कहता है सड़क बननी है, एक कहता है, ये तो अलग अलग हो गया, लेकिन एक क्षेत्र से एक सरपंच आ रहा है एक अपनी पंचायत समिति से, लेकिन उसके साथ जो सहभागी हैं जो सदस्य हैं पंच ठीक है, या वो लोग जो पार्टी का कैंडिडेट या पार्टी का पक्षधार होते हुए जिसने पार्टी के लिए काम किया है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो क्या उनसे भी हम फीडबैक लेते हैं कि वाकई बताओ सरपंच साहब को ये कह रहे हैं कि साहब ये काम होगा, वाकई स्थिति क्या है, तो ऐसा कोई प्रोग्राम है आपके उसमें कि
उनसे भी फीडबैक लिया जाए ताकि न्यायपूर्ण काम सिर्फ एक का ना चले। बिल्कुल, इस तरह से जो भी वहाँ से संबंधित जो मंडल अध्यक्ष होते हैं जी, या जो भी वहाँ के सीआर डीआर है, या फिर जो भी वहाँ के जो भी वार्ड पंच है, ठीक है, या जो भी वार्ड से जीते हुए सदस्य आते हैं जी, उनसे भी फीडबैक लिया जाता है और हमें सबकी सुन के और जो भी अच्छा सोल्यूशन निकलता है उसी में सबको साथ बिठा के एक निर्णय करके और वहाँ का विकास करवाना है। बहुत अच्छी बात है, आपका आना बहुत हमारे लिए शुभ रहा, अच्छा रहा, और गहरी प्रसन्नता की बात ये आप क्योंकि शिक्षित हैं, आप बचपन से अपने युवा काल से देखती रही है राजनीति को, घर में हैंडल करती रही है। एक पर्यटन में भी हम पर्यटक स्थल भी यहाँ बनाने की हमारे मैडम उसको तो आपको बहुत जोर देना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ कम से कम पूरे मतलब पूरे एक ग्राम पंचायत समिति में एक पर्यटक स्थल हमारे बनाने की। उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं आपके शायद आपको मददगार हो जाएगी। दो बातें देखिए, एक तो यहाँ रानीपुरा में अभ्यारण्य बनना चाहिए बकायदा गवर्नमेंट लेवल पर, अपने कृष्ण मंदिर का काले हिरण जो एक बहुत पुरानी है कि अपना जो ये विस्तर कुछ दूर से है, यहाँ भी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि ऐसी स्थितियां बने तो पर्यटक आकर्षित। दूसरा इसी के साइमल्टेनियसली एक आप यहाँ भी कदम उठा सकते हैं कि आपने यहाँ पूरा में पुरातत्व बहुत सारी ऐसी चीजें जगह हैं, लेकिन वो जैसी हैं वैसी हैं, मतलब जो लोग उनसे संबंधित हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, आम जन को क्या पड़ी। तो मैंने एक बात कही थी, मैंने अली बाबा भी आए थे, उन्होंने उनको किया था, तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा यंग लड़के हो आप क्या सोचते हैं, ये तो मालूम पड़े। तो कह रहे नहीं मैं करूंगा इसके अपने प्राइवेट जॉब के चार दरवाजे हैं, इनका थोड़ा पुनरुद्धार कर लूंगा। तो मैंने एक बात कही, मैंने चार पुरानी बिल्डिंगे हैं वो अगर अब बिक भी गई तो भी जिस नवाब की या जिस बेगम की बिल्डिंगे थी उनका नामकरण ही अगर उन पर लगा दिया जाए, नीले नेम प्लेट बनती है सरकारी पूरा मैच, तो भी हमें ये तो पता पड़ेगा कि शहर में ये पर्सनलिटी हुई थी, कभी कुछ अवेयरनेस आएगी, जानकारी आएगी। जैसे हाथीवाड़ा है वहाँ अच्छा एनक्लोजर बने, वहाँ अच्छा बाग डेवलप हो, तो इस तरह की कुछ बातें हो सकती है। दूसरा एक सेकेंड, दूसरी एक बात है अपने नगर को जहाँ से तो आप हमने योजना तो वहाँ की बहुत बड़ी योजना हो सकती है। बिल्कुल, ये अभी आपने पूछा है लेकिन हमारे पहले से ही योजना में जो भी आपने बताया है उनको हमने शामिल कर रखा है, और जो पहली हमारी जनरल बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें हम प्रस्ताव रखेंगे और इन्हें अनुमोदित भी करवाएंगे। बहुत सुंदर बात कही आपने, आपका आभार, और फिर मौका दीजिए, फिर और बातें करेंगे। नमस्कार।